इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक अरसे बाद हम लोग फिर से कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सर्वधर्म कोलार रोड भोपाल से बोल रहा हूँ। जी, और नाम क्या है आपका? राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ। और रेडियो से पुराना लगाव है आपका, क्योंकि आपका नाम बहुधा केंद्रों से सुना जाता है। जी। और कोरोना को लेकर के क्या हालात हैं आपके यहाँ और किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं आप? टीकाकरण आपने करा लिया है? सर अभी टीकाकरण नहीं करवाया, अभी मैं एक महीने बाद करवाऊंगा। सर मुझे क्या, मैं कोविड में हो गया था। जी जी, तो उसके लिए एक खास अवधि का अंतराल देना पड़ रहा है। जी जी जी। तो ये अच्छा है कि आप में जागरूकता है और आप जब भी वक्त आएगा आप टीकाकरण कराएंगे। तो और ये भी बड़ी बात है कि आपने अपने हौसले से और हिम्मत से और सतर्कता से कोविड को मात दी है। तो क्या तजुर्बा रहा और कैसा लोगों ने और समाज परिवार ने आपका सहायता की आपकी? सहायता बिल्कुल पूरे परिवार ने की सर, और डॉक्टर लोगों ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनने हमको घर पे किट दी, ने घर पे रहके 10 दिन के लिए खाया और बहुत अच्छे स्वस्थ हो गए सर। ये तो सही मायने में जो चिकित्सक हैं और जो उस कार्य से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और बहुत सारा जो एक वर्ग है जो कोरोना को रोकथाम में लगा हुआ है, उन सभी को सलाम और उनके जज्बे को सलाम और खासतौर से आप जैसे लोगों को भी। रेडियो ने किस तरह से मदद की, हम सभी भी तमाम केंद्रों से इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे लोगों में जागरूकता हो। जी सर, बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम के माध्यम से। और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा दें? जी अभी मिलती है सर हमको। बिल्कुल, हम लोगों का तो पूरा ये प्रयास रहता है आज भी, जबकि बहुत कुछ स्थिति संभल चुकी है, फिर भी हम कोविड को लेकर के हमारे केंद्र से भी और तमाम केंद्रों से भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं श्रोताओं के लिए। जी। कौन सा गीत सुनवा दें आपको इस कार्यक्रम में? सर आज गाना सुनवा दो सर, ये खानदान मूवी का सुनवा दो सर। जी, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा। हाँ, ये बहुत ही पुराना और मकबूल और अच्छा गीत है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जाने में
मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी मैं अनवर अली अंसारी वाराणसी से बोल रहा हूँ। अनवर जी बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका। दरअसल 222-10-52 भी ठीक है, लेकिन बीच बीच में नंबर कट जा रहे हैं, तो श्रोताओं को बता दें कि जो नंबर उस वक्त काम करे उस पे फोन कर लिया करें। हालांकि इस नंबर पे जो 50 पे आपने फोन किया, इस पे आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही है। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? आप लोग कैसे हैं? हम सभी अच्छे से हैं, और इस दौर में जो भी ठीक ठाक है और स्वस्थ है वो सोचिए कि बड़ी बात है, लेकिन सतर्कता सावधानी बेहद जरूरी है और जिसका हम सभी को पालन करते ही रहना चाहिए। जी जी, और इस बीच कोरोना काल में तो हमारी बहुत ही प्यारी पुष्पा इस तरह जी जो हमारी बीच से चली गई, और उनकी यादें जो है उनके प्रोग्राम करने का अंदाज और उनकी बातें सब हम लोगों को बहुत याद आती है सर। बिल्कुल, और बहुत कुछ अकस्मात हो जाता है, विधि का विधान जिसे आप कहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहें कि आदमी अपनी यादें छोड़ जाता है, और हर किसी की अपनी एक खासियत होती है और वो लोगों को याद आती है। जी जी जी, जब 19 अप्रैल को
अप्रैल को ये खबर मिली कि 18 तारीख को पप्पा जी नहीं रही, तो दिल को बड़ा दुखद ऐसा एहसास हुआ। फिर बहुत ही श्रोताओं को जब हमने बताया तो उनको यकीन नहीं हुआ। ये अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की बातचीत हुई और अचानक से चली गई, और इसी दरमियान हम लोगों के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी बंद थी और फिर से हम लोगों ने इसे आरंभ किया है। हालांकि फोन लाइनों में थोड़ी सी खड़खड़ाहट वगैरह आ रही है, लेकिन प्रयास है कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और लोगों को पसंद आए। तो कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं इन दिनों आपको? अब तो बहुत कुछ सामान्य प्रसारण हो रहा है इन दिनों जी। प्रोग्राम तो सभी, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, या आपके अनुरोध, आपके पत्र, आपके गीत, सभी प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं। खास तौर से तो मीडियम चैनल पे ये कैसा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। जी जी, और आपका अंदाज भी अच्छा लगता है। लेकिन सर मेरी बात ये रहता है कि मैं जब भी ईमेल करता हूँ और जब आप रहते हैं तो मेरा नाम ही नहीं आता है। तो लगता है कि आता नहीं है आपका मेल क्या? हम तो नए लोगों का भी ले लेते हैं प्राय, जो उस समय भी करते हैं। मैं तो उस दिन मान लीजिए जब आप प्रोग्राम पेश कर रहे थे, तो हमने तो सुबह करीब 9:30 के दरमियान SMS अरे ईमेल, तो कुछ पता ठिकाने में गड़बड़ी होगी क्या कि किनके किनके नाम रहते हैं उसमें? उसमें जमील अहमद शाह जी का साथ साथ मेरा भी नाम रहता है, मतलब उनका पता अलग रहता है, मेरा पता अलग रहता है। हाँ, तो नहीं होगा, नहीं तो हम तो बिल्कुल कुछ छूटता ही। इस बार तो अधिकतर बाहर वालों के नाम थे हमने देखा। उसके पहले सप्ताह पांडुरंग जी पेश कर रहे थे, तो मेरा गीत भी बजा, नाम भी चला। जी 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 जी। और अभी क्या कहते हैं, ये किरण जी थी कि कमलेश जी थे अभी, कल की बात है, तो हमने उसमें ही भेजा, तो उसमें भी शामिल नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो नहीं आया होगा, ये भी बात हो सकता है कि किसी कारण से नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं तो हमारी ओर से तो हम तो कुछ बिल्कुल इस तरह का मामला ही नहीं रखते कि किसका लेना है किसका नहीं लेना है। बहरहाल हो सकता है कि गया ना हो। कई बार देर से आता है इसलिए थोड़ा वक्त रहते या सुबह ही भेज दिया करें। कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा दें? सुनवा दीजिए फिल्म आई थी दादी माँ। दादी माँ फिल्म में मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है, जाता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना। जी, इसमें संगीतकार है रोशन साहब और मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। जी जी, तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और मेल करते रहिए, आपके मेल आएंगे तो जरूर शामिल होंगे, ये हमारी ओर से वादा है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। जाता हूँ मैं मुझे अब न बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना, जाता हूँ मैं था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी, पीछे गमों की गली आगे उदासी। प्यासा था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी, पीछे गमों की गली आगे उदासी। हो हो, मैं तन्हाई अपना ना बेगाना, मुझे अब ना बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना।
मुझको हंसी भी मिली साए लिए दुख के, खुल के न रोया किसी कांधे पे झुक के, मुझको हंसी भी मिली साए लिए दुख के, खुल के न रोया किसी कांधे पे झुक के। ओ, ओ, ओ मेरा जीवन भी क्या है अधूरा सा एक अफसाना, मुझे अब न बुलाना मेरी याद भी अपने दिल में न लाना, मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना। जाता हूँ मैं का एक दिया वो भी बुझा डाला, धुंधला सभी कहीं क्यों हो जाला, था प्यार का एक दिया वो भी बुझा डाला, धुंधला सभी कहीं क्यों हो जाला। हो, हो अब उन यादों मेरी दुनिया में ना आना, मुझे अब ना बुलाना मेरी याद भी अपने दिल में न लाना, मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है आपका। जी जी सर, राधानगर यहाँ से शकील अहमद अंसारी बोल रहे हैं। जी, और स्वागत इसलिए हमने कहा कि वाकई बार बार ये कोरोना के चलते रिकॉर्डिंग ये दूसरी दफे हुई कि कई महीने हम लोगों को रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। हाँ जी जी, और बहुत कुछ दुनिया एक तरह से बदल जाती है। इस बीमारी ने बहुत सारे लोगों को हमसे दूर किया, बहुत सारी सावधानियां बरतने की ताकीद की, और सतर्कता सावधानी अभी बहुत जरूरी है। टीकाकरण कराया कि नहीं आपने? नहीं सर, अभी तो कराए नहीं है। तो तमाम श्रोताओं को कहें कि जब भी मौका मिले और अगर आप में एलिजिबिलिटी है, अर्हता है, तो जरूर टीकाकरण कराएं। नहीं नहीं सर, जरूर हम लोग करवाएंगे, और हम लोग ये चाह भी रहे हैं कि जिससे बैठिया। श्रोताओं, बातचीत के दरमियान ही बहुत कुछ रिकॉर्डिंग जो है टेलीफोन लाइन के कारण रुक सी जा रही है। फिलहाल हम अगले श्रोता से बातें करते हैं। हेलो, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरुण जी, आधा वर्ज है। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं आप। और श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप अपनी ही आवाज में अपना तारुफ पेश करें। मैं पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी बोल रहा हूँ। बिल्कुल, यानी अब भी आप वहीं रह रहे हैं। कई बार ये होता है कि अब कहाँ किस इलाके में रह रहे हैं। एक आध दफे आपसे बात हुई थी तो शायद मोहल्ला कुछ बदला था। नहीं, 2 साल हो गए हैं। जी जी, कहीं आना जाना हो नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से तो हमारे सम्मेलन भी नहीं हो पा रहे हैं। जी जी, ये जब भी ये वक्त आता है जिस समय आपके सम्मेलन होते हैं उसी के आसपास ये कोविड बढ़ जा रहा है 2 वर्षों से। आजकल तो ऐसा है ना, जब से ये अगस्त माह शुरू हुआ है कम से कम 10-20 श्रोताओं से जो है, जी जी, हमारी बात इसी पर होती रहती है कि भाई पिछला साल तो चला गया लॉकडाउन की वजह से, इस साल भी वही है। मिल नहीं पाएंगे, मन जो है बहुत बेकल रहता है। जी जी, और कहीं आना जाना तो होता नहीं था, बस यही हम लोगों का शौक है कि एक जो है मीटिंग हम लोगों की 1 साल में होती थी। जी जी, और करीब हमें लग रहा है 250-300 लोग इसमें इकट्ठा हो जाते होंगे। ज्यादा होते थे, ऐसा है कि 400 करीब लोग हो जाते थे, लेकिन महाराष्ट्र में 700-800 लोग हो जाते थे। और अब तो जैसे बहुत मुश्किल है इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति इस समय मिलना। अभी कल मेरी बात हुई है। जी जी, हाँ, एक जो सनावत जो है विजय सोनी वो भोपाल में रहते हैं, आयकर विभाग के बहुत बड़े अफसर हैं, श्रवण सिंह गिन्नारे। जी जी, रहने वाले खंडवा के ही है। तो मेरी बात हुई है तो इस दफा अगर
तरह से ठीक ठाक रहा तो अगस्त के बाद जो है भोपाल में कोटा सम्मेलन होगा। जी जी, तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि हालात ठीक हों और श्रोताओं का सम्मेलन भी हो, क्योंकि वास्तव में हम सबका यानी रेडियो का अस्तित्व ही एक दूसरे से जुड़े रहने में ही है। और ये तो दो तरफा बातें हैं, श्रोता सुने और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े तो ही सफलता है इसमें। और अरुण सिंह, बहुत हमको बहुत मलाल ये है कि 31 जुलाई को जी जी आपकी तो आप समझ लीजिए कि बरसी थी, लेकिन उस दरमियान जो है हमारे यहाँ फरमाइश जो है बंद था हमारे बनारस का। जी जी जी, तो रिकॉर्डिंग ही अभी कल से शुरू हुई है, मैंने पिछले हफ्ते से मालूम पड़ा था। जी जी, तो हमने बस रफी साहब की याद में एक लगी का 1959 वाली, रफी साहब का वो भी है, शकील साहब की गीत है, नौशाद साहब का संगीत है। जी, इसमें कौन सा गीत है? वही तेरे कूचे में। तेरे कूचे में, हाँ हाँ हाँ, अजीत और मेलोडी जयवन थी उसमें। हंस राज का संगीत था और आसद भोपाली का गीत है, प्रेम धवन भी साथ में है। क्या कहने, आपकी याददाश्त को तो बिल्कुल कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा। ये गीत को जो है दो गीतकारों ने मिलकर लिखा था। जी जी, और असद भोपाली तो खैर भोपाल के रहने वाले थे, बहुत अच्छे उर्दू के शायर भी थे। हाँ, लेकिन वो जिंदगी में जो है उसने कुछ कर नहीं पाए। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। जी जी जी, काफी अच्छे गीत उन्होंने लिखे। अब उनके लड़के हैं गालिब असद भोपाली जो गीत लिख रहे हैं कुछ कुछ फिल्मों में। भोपाली और प्रेम धवन भी जो थे जी जी लिखते थे, उनका म्यूजिक भी था और गीत भी था। तो मुश्ताक जी, आपकी पसंद पर गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। चलिए, आप नमस्कार। जी जी जी, बिल्कुल, खुदा हाफिज। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मिला था दिल से जब दिल, याद करो भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल, याद करो भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। जिगर में दर्द, दिल में ठेस और आँखों में दो आंसू, अरे आँखों में दो आंसू। जिगर में दर्द, दिल में ठेस और आँखों में दो आंसू, अरे जरा तू देख ले आकर मैं क्या क्या लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था,
वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था वही अफसाना हूँ तू पर अधूरा लेके आया हूँ तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। अगर आपका नंबर 2221052 पर नहीं लगता है, क्योंकि कई बार ये नंबर थोड़ा सा कभी कभी इसमें व्यवधान आ जा रहा है, तो आप उस स्थिति में 2221050 पर भी कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मिला था दिल से जब दिल याद कर ओ भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल याद कर ओ भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। जिगर में दर्द दिल में ठीस और आँखों में दो आंसू, अरे आँखों में दो आंसू। जिगर में दर्द दिल में ठीस और आँखों में दो आंसू, रे आँखों में दो आंसू। जरा तू देख ले आकर मैं क्या क्या लेके आया हूँ तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था वही अफसाना हूँ तू पर अधूरा लेके आया हूँ तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया।